तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम आपके साथ टोटल 8 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक। क्वेश्चन नंबर 13 हमारी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन कहता है, यदि a का मान a प्लस में रूट तीन है तो हमें 1/a का मान बताना है, यानी कि अगर a की वैल्यू 2+√3 है तो हमें 1/a की वैल्यू फाइंड करनी है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे लिख लेंगे a की वैल्यू हमें दी गई है 2+√3 और हमें बताना है 1/a क्या होगा। तो आप a की जगह पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो तो 1/(2+√3) आपके सामने आ जाएगा। हमने क्या करा, a की जगह पे 2+√3 सब्सटीट्यूट करा। अब मैंने आपको बोला था बच्चों, आपको एनसीईआरटी की थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, तो आपने एनसीईआरटी में ये पक्का पढ़ा होगा कि जब भी डिनोमिनेटर में रूट आता है तो हमें उसको रैशनलाइज करना पड़ता है। रैशनलाइज करने के लिए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ऊपर लिख देंगे 2-√3 और डिवाइड कर देंगे 2-√3 से। ऊपर जरा मल्टीप्लाई करो बच्चों, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 बनेगा, जब आप 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -√3 बनेगा। इसके डिवीजन में एक प्रॉपर्टी बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की। हम यहाँ लिख देते हैं a प्लस में b को अगर मल्टीप्लाई करें a माइनस बी से तो सिंपल सा आंसर बनता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो a स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और b स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनेगी हमारे पास 2-√3/2 का स्क्वायर 4 और अगर हम रूट से स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो वैल्यू बनेगी 3, तो माइनस में 3। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो इसके डिनोमिनेटर में 1 आएगा, ऊपर रहेगा 2-√3 का मतलब है हमारा कंप्लीट आंसर आ गया 2-√3 और 2-√3 हमें नजर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो 13th क्वेश्चन का आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आप लोग इसको नोट जरूर करिएगा। 10th क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर बच्चों हमें बताना है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या यानी कि सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन सा है। तो बच्चों सबसे छोटा नेचुरल नंबर है यहाँ पर 1। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो काउंटिंग नंबर होते हैं, तो काउंटिंग किससे स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देन बच्चों क्वेश्चन 15 के अंदर हमें बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सी एक संख्या ऐसी है जो परिमेय नहीं है। परिमेय यानी कि कौन सा नंबर रैशनल नहीं है। रैशनल नंबर कौन सा होता है बच्चों, जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सको और आप देख सकते हो कि चारों के चारों ऑप्शन में रूट लगा हुआ है। तो रूट के टर्म्स में रैशनल नंबर कौन सा होता है, जो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। तो बच्चों क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होता है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर का मतलब है अगर आप रूट 16 को सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 4। तो अगर कोई रूट सॉल्व हो गए परफेक्ट स्क्वायर नंबर, एक सिंपल सा नेचुरल नंबर आ जाता है, तो वो एक रैशनल नंबर होता है। आप लोग यहाँ पे देखो कि रूट 4 है, रूट 4 को हम लिखते हैं 2, रूट 25 है, रूट 25 को हम लिखते हैं 5, रूट में 9 है, रूट में 9 को हम लिखते हैं 3, बचा है रूट 2, तो हम रूट 2 को कुछ भी नहीं लिखते, इसका मतलब रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है। तो आंसर आ गया हमारा रूट 2। ओके बच्चों, सभी छोटे छोटे क्वेश्चन है, तो आप लोग अपनी कॉपी में इन क्वेश्चन को जरूर नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बच्चों, हमें गलत कथन बताना है, यानी कि इसमें जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो हमें बतानी है। सबसे पहली स्टेटमेंट लिखी गई है, एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं यानी कि नेचुरल नंबर किससे स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, 1 से 2 फिर 3 एंड सो ऑन। और जो पूर्ण संख्या है यानी कि होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं बच्चों, होल नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 के बाद 1 फिर 2 फिर 3। तो आप लोग बच्चों ये देखो कि ये जो 1 2 3 है, ये 1 2 3 इस होल नंबर में आ रहा है, ये जो 1 2 3 है ये पूर्ण संख्याएं में आ रहा है, यानी कि जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो ट्रू स्टेटमेंट है, वो एकदम सही स्टेटमेंट लिखी हुई है। फिर बी ऑप्शन कहता है, क्या सभी के सभी इंटीजर रैशनल नंबर होते हैं। इंटीजर यानी कि सभी के सभी पूर्णांक और रैशनल यानी कि परिमेय संख्या। क्या सभी के सभी इंटीजर को हम रैशनल नंबर बोलते हैं, तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। हम सभी के सभी इंटीजर को p/q में लिख सकते हैं, तो हमारे बी स्टेटमेंट जो है वो एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर सी ऑप्शन कहता है, क्या सभी के सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं। क्या सभी रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो 0.3 बार,
ये 0.3 बार जो है बच्चों, क्या ये एक इंटीजर है? तो ये एक इंटीजर नहीं है। क्या ये रैशनल नंबर है? तो ये रैशनल नंबर है। मैंने आपको इसका एक शॉर्टकट बताया था पिछली वीडियो में, जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो को देख लेना। 0.3 बार को लिखने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इसका आंसर सीधा बनता है 3/9। तो ये 3/9 एक रैशनल नंबर है लेकिन इंटीजर नहीं है। तो हमारे जो ऑप्शन है उनमें जो गलत स्टेटमेंट है वो यही ऑप्शन सी है। हमारा जो आंसर होगा बच्चों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको नॉलेज है तो आप क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर कर लेंगे। जैसे कि हमने आपके सामने सॉल्व कर लिया, आपको डिटेल में बता दिया कि होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत क्यों है उसका मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया है। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि कॉपी में नोट करना है तो आपको कॉपी में नोट करना है। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 17 देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर हमें बताना है कि अगर हम √3 को डेसिमल एक्सपेंशन में लिखें तो क्या बनेगा। तो सबसे पहले तो बच्चों जो √3 है ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। √3 क्या है बच्चों? ये एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या का मतलब क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है बच्चों वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है पहले बच्चों? वो नॉन टर्मिनेटिंग होता है, और साथ में जो इसके पॉइंट के बाद की डिजिट्स होती हैं वो रिपीट नहीं होती, तो नॉन रिकरिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ में नॉन रिकरिंग होता है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत बोलते हैं और नॉन रिकरिंग को अनावर्ती बोलते हैं। यानी कि इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। आप हमेशा ध्यान रखेंगे बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जस्ट आपको थोड़ी 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 नॉलेज होनी चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर हमें बताना है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितने परिमेय संख्याएं आ सकती हैं। तो इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स आ सकते हैं दो रैशनल नंबर के बीच में। तो देयर आर इनफाइनाइट मैनी रैशनल नंबर्स, यानी कि आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी। आंसर क्या बनेगा बच्चों? ऑप्शन नंबर सी बनेगा। एकदम छोटा क्वेश्चन, जस्ट थोड़े थोड़े टेक्निकल क्वेश्चन है, थोड़ी थोड़ी नॉलेज हमसे मांग रहे हैं, और हम बच्चे सभी पढ़ने वाले बच्चे हैं, आराम से इन सभी क्वेश्चन का आंसर दे देंगे। फिर देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर हमें बताना है कि कौन सा एक नंबर इसमें इरेशनल है, कौन सी एक संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय संख्या और इरेशनल नंबर का मतलब है बच्चों हमें इसके अंदर पहले थोड़ा सा सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है √4/9, और आप जानते हैं बच्चों हम इसको ऐसे लिख सकते हैं √4/√9। √4 को बच्चों हम 2 लिखते हैं और √9 को हम 3 लिखते हैं, तो ये एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? एक रैशनल नंबर है। देन ऑप्शन नंबर बी है हमारे पास √12/√3। √12/√3, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं √12/3, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कट हो रहे हैं, तो कट होने पर वैल्यू बना रहे हैं √4। 3 4 12 होता है। √4 को मैंने ऊपर लिखा हुआ है क्या? 2, तो √4 क्या है? 2 है, और 2 क्या है? एक रैशनल है। 2 क्या है बच्चों? एक रैशनल है, और हमें फाइंड करना है कौन सा इरेशनल है। तो जो इसके अंदर ऑप्शन सी है √7, √7 को हम किसी भी तरह से सोल्व नहीं कर सकते, तो हमारे 19 क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी √7। और अगर आप ऑप्शन नंबर डी की बात करें तो आप इसको लिख सकते हो 9, और 9 भी क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो थोड़ा सा हल्का सा सोल्व करना है, आंसर आ गया √7, क्योंकि √7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस में नॉन रिकरिंग होगा, अशांत प्लस में अनावर्ती होगा। दैट इज वाई हमारा आंसर क्या है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि √7। देन बच्चों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर हमें बताना है कि सभी के सभी रैशनल नंबर क्या होते हैं, सभी की सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो आप ये हमेशा ध्यान रखना और अपनी कॉपी में लिख लेना कि सभी की सभी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। सभी की सभी परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वास्तविक संख्याएं होती हैं, यानी कि एक रियल नंबर होते हैं। सभी के सभी रैशनल नंबर क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं।
हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके बच्चों, आज की क्लास को इतना ही रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 की अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अब मैं आपके साथ फ्राइडे को क्वेश्चन नंबर 21 से क्लास को कंटिन्यू करूंगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी बच्चों वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि बच्चों हम आपको कंप्लीट सपोर्ट में टीरियल सॉल्यूशन करवाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि क्लास 9th की अपकमिंग वीडियोस की सबसे पहली नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचे। टिल देन बच्चों, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।